हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट कार्ड बाय सोने। अभी क्रिसमस डे आ रहा है तो उसके लिए मैंने कुछ DIY रेडी किए हैं। और सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। मेरी पिछली जो वीडियो है उस पे आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं और इतना ढेर सारा प्यार आप लोगों ने उस वीडियो के लिए दिखाया। आगे भी आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करें और ऐसे ही ढेर सारा अपना प्यार दिखाएं। और मैं भी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कुछ न्यू और क्रिएटिव आइडियाज़ लाने की ट्राई करूँगी जो आप लोगों को पसंद आए। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहें। अगेन एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। और अभी गाइस आज मैंने ये जो ट्री बनाया है इसको बनाने के लिए भी मैंने कुछ एक न्यू क्रिएटिव आइडिया सोचा और उसे मैंने अप्लाई भी किया है। आप लोग वीडियो को फुल देखें, प्लीज़ स्किप ना करें। और जब आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो उसकी रेटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। प्लीज़ आप इतना भी मेरे साथ सपोर्ट करें। और ये देखिए, मैंने ये कोन जैसा मैंने बना लिया था, मिठाई के डिब्बे का जो कवर है उसे यूज़ किया। और अंदर मैंने ये कार्डबोर्ड गोल सर्कल में कट किया, वो थोड़ा छोटा रह गया था तो मैंने उसे फिर से कट करके और नीचे इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ड्राई होने के बाद इसके एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने रिमूव किया और एक कोन जैसे मैंने उसे रेडी कर लिया है। अभी मुझे ट्री बनाना है तो नीचे ट्री के जो वो मोटा सा तना जो स्टेम होती है उसे बनाने के लिए मैंने ये एक गोल पाइप जैसा कुछ बनाया और इसको मैं इस सर्कल के साथ अटैच कर दूंगी। और फिर ऊपर वाले पार्ट पे हम जो हमारी हमने कोन रेडी की थी उसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ मैं झाड़ू का यूज़ करूँगी। ये जो पुराना जो झाड़ू है वो मेरे पास पड़ा हुआ था। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्रिसमस ट्री के लिए झाड़ू का यूज़ कर रही हूँ, तो झाड़ू को हम धनतेरस पे खरीद के घर पे लाते हैं क्योंकि झाड़ू को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हम इसे यूज़ ना करें, बाकी आप लोग देख सकते हैं। और मेरे पास ये ओल्ड झाड़ू है वो पड़ा हुआ था तो उसका मैंने यूज़ यहाँ पे किया। और इसके अंदर के पूरे पार्ट को रिमूव करके एक एक करके मैंने इस पूरी कोन के आउटसाइड अच्छे से पेस्ट कर लिया है। ऊपर वाले पार्ट को फिक्स करने के लिए मैंने रबर बैंड का यूज़ किया है ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और नीचे वाले पार्ट में कुछ एरिया जो खाली रह गया था वहाँ पे मैंने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, उसे अच्छे से पेस्ट कर दिया। और नीचे जो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने सीजर के साथ कट कर दिया है। अब यहाँ मैंने ट्री को कलर करने के लिए एक्रिलिक ग्रीन कलर का यूज़ किया है, उससे हम इस पूरे को कलर कर लेंगे। और नीचे वाले पूरे पार्ट पे हम डार्क ब्राउन कलर कर लेंगे। और अब बारी है थोड़ा ट्री को डेकोरेट करने की, तो उसके लिए मैंने फॉइल पेपर का यहाँ यूज़ किया है। इसे दो स्टार कट किए और उनको उसके ऊपर टॉप पे लगा दिया है और फिर छोटे छोटे बीड्स जैसे मैंने कुछ बनाए और उनको भी ट्री के साथ मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए हमारा क्रिसमस ट्री रेडी है। इसका फाइनल लुक दिख रहा है ना, एकदम रियल जैसा। DIY के लिए हमने लिया है कार्डबोर्ड और उस कार्डबोर्ड से एक बड़ा सा सर्कल कट कर लेंगे। अब इस सर्कल के एजेस को कवर करने के लिए यहाँ मैंने मास्किंग टेप का यूज किया है। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं और छोटे छोटे से कट लगा के फिर इसको कार्डबोर्ड के साथ अटैच करते जाएंगे। कट लगाने से इसमें एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। अब इस कार्डबोर्ड पे मैंने कलर किया है। कलर करने के लिए मैंने यहाँ एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। वाइट कलर मैंने हाफ पार्ट पे किया और हाफ पार्ट पे यहाँ पे लाइट ग्रे कलर का यूज़ किया है। व्हाइट वाले पार्ट पे मैंने थोड़े से लाइट ब्लू कलर से शेडिंग की और ब्लैक कलर से एक ट्री को पेंट किया।
जो ब्राइट ग्रीन कलर होता है उससे मैंने ये क्रिसमस ट्री हैं ये रेडी किए, और इनके ऊपर मैंने थोड़े ग्रीन कलर से शेडेड डाल दी है। और स्टैम्प बनाने के लिए अगेन मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया, और वाइट मैंने ये थोड़ी सी आइस दिखाने के लिए इसके ऊपर टेक्सचर ऐड किया है। और अभी ये मैंने छोटे छोटे स्टोन लिए हैं, इन सबको वाइट कलर से मैंने कलर कर दिया है। उसके बाद मैं इनके आप प्रोसेस आप आगे देखते जाएं मैंने कौन कौन से कलर इन पे यूज़ किए। यहाँ इनको मैंने रेडी करने के लिए सारे एक्रेलिक कलर का ही यूज़ किया है। आप लोग को देख के पता ही चल गया होगा कि इन स्टोन से मैंने छोटी छोटी हट हैं वो रेडी की हैं, और दिखने में कितनी ये प्यारी लग रही हैं। और अभी मैंने एक सेंटा रेडी किया है कलर से ही, स्टोन कलर और स्टोन से उसे रेडी किया। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये सेंटा कैसा लगा। और नेक्स्ट एक और मैंने कुछ बनाया है स्टोन से ही। इन सबको फिर मैं अपने जो बैकग्राउंड मैंने कार्डबोर्ड पे रेडी किया था उस पे ग्लू के साथ अटैच कर दूंगी। मुझे इस डेकोर आइटम को टेबल डेकोर के जैसे यूज़ करना है। अगर आप इसे हैंगिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो पीछे इस पर कुछ हैंगिंग के लिए पेस्ट कर दें, और इसे वॉल हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे टेबल डेकोर के लिए रेडी किया है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरे